दोस्तों, सर्पों की श्रृंखला खत्म होते हुए अब हम लोग प्रवेश करते हैं स्पाइडर्स या मकड़ी से होम्योपैथिक दवा बनाई जाने वाली उन दवाओं के बारे में। और एक इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि ये जो स्पाइडर्स है ये पुरानी ग्रीस एंशियंट ग्रीस के अंदर एक कहानी हुआ करती थी कि एक महिला रहती थी जिसका नाम है एरेक्ने या जिसका नाम था एरेक्ने, और उसको वीविंग का स्किल, बुनने की जो स्किल है वो उसमें बहुत माहिर थी। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने चैलेंज किया एक गॉडेस एथिन करके है, ग्रीक गॉडेस हुआ करती थी, कि भाई सबसे अच्छा क्या कौन बुन सकता है, और उसमें वो जीत गए। तो ऐसे कहानियों में कहा जाता है कि भाई एथिन को बहुत गुस्सा आया, वो उसको जलन होने लगी कि भाई ये एरेक्ने मेरे से इतनी अच्छी कैसे है। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई तू जन्म भर अब बुनते रहे, और उससे जो वंशज हुए हैं एरेक्ने के तो वो है एरेक्निडी या स्पाइडर फैमिली। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज हम स्पाइडर फैमिली के बारे में जानने वाले हैं। बिफोर गोइंग इनटू डिटेल्स, हम लोग जानेंगे कि उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पूरे फैमिली में। तो एक दर्जन करीब करीब होम्योपैथिक दवाएं बनाई गई है पूरे स्पाइडर से, जैसे कि टैरेंटुला जो सबसे मशहूर है, टैरेंटुला हिस्पैनिका है और टैरेंटुला क्यूबेंसिस है। दूसरा है अरेनिया डायडेमा, लैक्टोडैक्टिस मैक, माइगेन लैसिडोरा, थेरिडियन, बहुत ही प्रचलित दवाएं हैं और आजकल के टाइम्स में ये बहुत यूज होती है। कुछ लेसर यूज दवा है जिसका नाम है अरेनिया सिंचिनाटा, एक्सोबोला, एनुसिया, ये तीनों अरेनिया ही है। स्पाइडर वेब से भी दवा बनाई जाती है जिसका नाम है एरेनिकम टीला, और एक और रेयर है जिसका दवा है जिस स्पाइडर रेमेडी जिसका नाम है लैक्टोडैक्टिस कैलिपो और लैक्टोडैक्टिस हेसेटी। तो इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूं कि ये सभी स्पाइडर रेमेडीज के अंदर कुछ लक्षण, कुछ फीचर्स बहुत कॉमन है, जिससे हमको पता चल जाता है कि भाई शायद ये पेशेंट को स्पाइडर रेमेडी लग सकती है। और उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है पीरियोडिसिटी, मार्क पीरियोडिसिटी। कोई भी कंप्लेंट जो है वो बहुत ही पीरियोडिक रहती है, बिल्कुल टाइम के अनुसार रहती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल टैरेंटुला हिस्पैनिका के अंदर कोई भी कंप्लेंट, सिर दर्द हो, छाती का दर्द हो या पसीना हो, बिल्कुल टाइम से आता है। टैरेंटुला क्यूबेंसिस के अंदर फीवर, सुबह 9 बजे तो सुबह 9 बजे ही आएगा फीवर, बाकी दिन बाकी टाइम पे नहीं आएगा, इतना कैरेक्टरिस्टिक रहता है। अरेनिया डायडेमा के अंदर चिल्स, ठंडा ठंडी लगना। अरेनिया टीला के अंदर हेडेक, एक ही मखसूस टाइम पे, एक ही फिक्स टाइम पे हेडेक आती है। दूसरा है साइड्स, बहुत सारी स्पाइडर रेमेडीज जो है वो राइट साइड कंप्लेंट्स पे ज्यादा काम करती है, जैसे कि अरेनिया डायडेमा है या माइगेल है, कुछ लेफ्ट साइड पे ज्यादा काम करती है जैसे थेरिडियन है, टैरेंटुला हिस्पैनिका, ऐसी कंप्लेंट्स पे काम करती है जो राइट साइड से शिफ्ट होके लेफ्ट साइड में गई हो। ज्यादातर सभी स्पाइडर रेमेडीज को ठंडक नहीं भाती, जबकि स्पाइडर्स को थोड़ा ठंडा रहना पसंद है, ठंडक में, ठंडे माहौल में, लेकिन स्पाइडर रेमेडीज को ठंडक बिल्कुल सुहाती नहीं है, अच्छा नहीं लगता। खास करके अरेनिया डायडेमा है, टीला है, स्पाइडर वेब, लैक्टोडैक्टिस मैक है, टैरेंटुला हिस्पैनिका है। एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है अरेनिया सिंसिनाटा, वो बहुत ही हॉट रेमेडी है। सभी स्पाइडर रेमेडीज प्रैक्टिकली जैसे स्नेक रेमेडीज है के अंदर सेक्सुअल इंपल्सेस बहुत ज्यादा है, सेक्सुअल कंप्लेंट्स भी बहुत ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं निम्फोमेनिया हमारी भाषा में। खास करके टैरेंटुला हिस्पैनिका, माइगेल, यानी माइगेल में तो पेनफुल इरेक्शन होते हैं, जो इरेक्शन लंबे लॉन्ग सस्टेन्ड इरेक्शन और बहुत पेन होता है। अरेनिया डायडेमा, एक्सेसिव निम्फोमेनिया। ये अलग अलग हमारी जो होम्योपैथिक दवा है जैसे मॉस्कस एंड प्लेटिना के अंदर भी यही सिम्टम है निम्फोमेनिया के अंदर, वो दोनों के अंदर मॉस्कस एंड प्लेटिना अनबेरेबल डिजायर यंग गर्ल, सेक्सुअल डिजायर यंग जो गर्ल्स है 13, 14, 15 साल जस्ट अभी किशोर अवस्था की हुई है, और उनका सेक्सुअल डिजायर इतना ज्यादा बढ़ जाता है
कि टच से भी, टच ऑफ द नैपकिन, टच ऑफ द क्लॉथ से भी सेक्सुअल डिजायर इंस्टिगेट हो जाता है. ये है मॉस्कस ऑफ प्लेटिना. एस्टेरिस रूबेंस के अंदर है इनसेटायबल क्रेविंग फॉर सेक्स. मतलब बस वो इंसान सिर्फ सेक्स के लिए जिंदा रहता है, इतना हद तक उसके दिमाग में वो चलते रहता है, बाकी कुछ दूसरा सोचता ही नहीं है. ऐसे पेशेंट को ठीक करना रहा तब हमको एस्टेरिस रूबेंस देनी पड़ती है. यानी इतना ज्यादा कि सेक्स करने के बाद भी वो इच्छा बहुत ही प्रबल रहती है. हायोसाइमस के अंदर क्या है, एक अलग ही पहलू है सेक्स का. वो अपने आप को या अपने मेल या फीमेल जो भी है अपने आप को दिखाना या दिखानी चाहती है, नेकेड कपड़े जितना ज्यादा अपने बॉडी को एक्सपोज कर सके एंड सेक्सुअली अट्रैक्ट कर सके, ये उसकी चाहत रहती है. काली फॉस के अंदर एक ऐसा सिम्टम है जहां सेक्सुअल एपेटाइट या सेक्स की उत्तेजना पीरियड्स के बिल्कुल पहले बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और रह नहीं सकती है फीमेल. लिलिमटिक और ऑरिगेनम, ये दो ऐसी दवा है जो मास्टरबेशन बहुत ज्यादा करते हैं, अत्यधिक रूप के अंदर, अत्यधिक प्रमाण में मास्टरबेशन करते हैं, हस्त मैथुन करते हैं. फॉस्फोरस के अंदर भी सेक्स की प्रबलता बहुत ज्यादा है, खास करके उन महिलाओं में जो विधवा हो गए या जिन आदमियों की औरतें एक्सपायर हो गई है, जो अलग हो गए हैं और बस कंटिन्यूसली उस सेक्स के बारे में सोचते हैं, करते नहीं है, ये फॉस्फोरस की फीचर है. म्यूरेक्स के अंदर भी एक सिम्टम है जैसे मॉस्कस और प्लेटिना के अंदर है, कि स्लाइटेस्ट टच कैन एक्साइट सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा. कोनियम ऑनोस्मोडिस के अंदर भी सेक्सुअल थॉट्स चलते रहते. तो हमने देखा अलग अलग टाइप के ड्रग्स है होम्योपैथिक मेडिका के साथ में स्पाइडर रेमेडीज भी है जिनका सेक्सुअल एपेटाइट बहुत ज्यादा रहता है. प्रैक्टिकली सभी स्पाइडर रेमेडीज, मकड़ियों की जो दवा बनाई जाती है, वो हमारे मस्तिष्क और जो नर्व्स है उस पर बहुत ज्यादा काम करती है. खास करके टैरेंटुला हिस्पैनिका और माइगेल, ये पूरे बॉडी पे काम करती है, पूरे बॉडी के नर्व्स पे काम करती है. टैरेंटुला हिस्पैनिका डायगोनल काम करती है, जैसे ये राइट हैंड है तो लेफ्ट पैर रहेगा एंड वाइस वर्सा. और ट्विचिंग एक बहुत कॉमन सिम्टम है. ट्विचिंग मतलब होता है मसल अपने आप हिलने लगता है, आंख भी फड़कने लगती है, कोई भी मसल कंटिन्यूसली हिलने लगता है, इसको बोलते हैं ट्विचिंग. कोरिया भी होता है, मतलब बिल्कुल हाथ कंटिन्यूसली अपने आप बॉडी हिलते रहता है और पेशेंट कंट्रोल में नहीं रहता, इतना हिलते रहता है. इसीलिए पार्किंसंस के पेशेंट के अंदर भी ये बहुत कॉमनली यूज होता है. नींद, जी हाँ, जैसे सर्पों का विष है और उससे दवाएं बनाई जाती है, वैसे स्पाइडर्स की रेमेडीज में नींद के लिए बहुत काम में आती है. खास करके अरेनिया डायडेमा, हम एक एक जब ड्रग देखेंगे तो बताऊंगा मैं आपको कि किस तरह से नींद की प्रॉब्लम्स से, स्पाइडर रेमेडी से हम उसको छुटकारा पा सकते हैं. हार्ट के लिए भी बहुत सारी दवाएं जो है बहुत काम की है हमारे स्पाइडर रेमेडीज. इनफैक्ट लैक्टोडैक्टिस मैक तो हार्ट अटैक्स के लिए भी बहुत जल्दी इन्हें यूज होती है. डेथ, फियर ऑफ डेथ इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम इन स्पाइडर रेमेडीज, जैसे स्नेक रेमेडीज के अंदर भी है. और रेस्टलेसनेस, बेचैनी, चाहे मेंटल रेस्टलेसनेस, फिजिकल रेस्टलेसनेस, लेकिन बेचैनी ये बहुत ज्यादा बनी रहती है. दोस्तों, ये एक संक्षिप्त में है स्पाइडर रेमेडीज का छोटा सा कैरेक्टरिस्टिक्स. और अब हम लगे रहिए, एक के बाद एक हम लोग स्पाइडर्स के बारे में डिस्कस करेंगे और आपके क्वेश्चंस सॉल्व करते रहेंगे. थैंक यू वेरी मच.